तो गाइस एक बार फिर आपका गंगा मेला में स्वागत है। और आज हम अकेले आए हैं, हम अपने ऑफिस से हजरतगंज से डायरेक्ट यहाँ आ गए हैं। आज रोशनी है तो कुछ कुछ चीज़ें समझ भी आ रही हैं, ऐसे तो समझ में नहीं आ ज़्यादा नहीं आया था उस दिन, लेकिन एक अंदाज़ा तो लगी गया था कि मेला कैसा है। फिलहाल हम मेला टहलने नहीं आए हैं, कुछ चीज़ें देखनी थी वो देखने आए हैं, लेने आए हैं। और अविरल तो नहीं, लेकिन आर्या तो बहुत बहुत ज़्यादा चिल्लाएगी। फिलहाल ये देखिए, उस दिन तो इतना कुछ नहीं दिखा था हमें, क्या बात है यार, गजब, बहुत सुंदर। किस तरह पड़ा हुआ देखो, ये देखिए, ये देखिए ये गुल्लक है, ये कितने का है भैया? नाइस मग, इसमें से हम ले रहे हैं, हमें बहुत अच्छे लगे ये मग, सॉलिड है, काफी अच्छी क्वालिटी का भी है। ब्लैक बड़ा सुंदर लग रहा है इसका, चलो ब्लैक लेते हैं। ये कलर कैसा है, ये देखिए यहाँ तोप है, हर माल 100 रुपए। गाइस आज तो मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है, क्योंकि मेले वेले की तो आदत बहुत है नहीं, थोड़ी देर तो सही है, उसके बाद से दिक्कत होती है, क्योंकि अकेले आदत नहीं है, तब भी देखो टहल टहल के आ ही रहे हैं। आर्या थी तो उस दिन समझ में आ रहा था, ऊपर से भूख भी लगी है। पता नहीं किधर निकलेंगे हम, हेलो, ध्यान दें आप लोग, अपने पर्स मोबाइल की सुरक्षा स्वयं करें, अपने पर्स मोबाइल अपने दर्शन करने आए।
भीम करोली बाबा। जय हनुमान जी, जय हनुमान जी। तो गाइस अब घूम टहल के सारे काम निपटा के, आज सारे काम हमने निपटा लिए, सारे काम निपटा के हम मेला भी चले गए और जो है हमने हनुमान सेतु मंदिर का दर्शन भी किया। आप लोगों ने भी दर्शन कर लिया मेरी वजह से, शंकर जी के भी दर्शन करे। और घर आके पता लगा कि आर्या की कॉफी मशीन आ चुकी है, तो अब हम लोग चलते हैं उसकी अनबॉक्सिंग करने और देखते हैं ये कॉफी मशीन कैसी है इनकी। इससे भी बनाना है, ला दे तो। अच्छा, दो दो फोन से बन रहा है। कैची कहाँ रखी है? छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है। यार दो हाथ से मेरे काम नहीं कर रहे हैं आर्य। कोई बात नहीं, बना लो यार, जैसे भी बन रही है। कॉफी तो लाए नहीं है, इसके साथ कुछ फ्री नहीं दिए हैं सब? नहीं, क्यों फ्री? आपका ठेका लेके रखते हैं। अरे तब भी कॉफी बनाने के लिए फ्री तो देना चाहिए उनको। नहीं, तो इतनी अच्छी मशीन इतने कम प्राइस पे दे रहे थे, अमेज़न वाले ऑफर चल रहे हैं तो मिल गई, वरना मिलती ही नहीं। सॉरी, ये है इनकी कॉफी मशीन, क्रोमा की है। ऐसा लग रहा है जैसे इसमें आप लोग देखिए, जब मेन टाइम आया तो आपने मेरा फोन गिरा दिया। जितने का मेरा फोन है उतने में आपके 100 फोन खरीद देंगे हम। 100 फोन नहीं आ रहे, ओनली 2.5। यूजर मैनुअल बंद कर दिया आपने, चल रहा है। चलो वाओ ग्रेट, तुम्हारे फोन में छोटा दिख रहा है, मेरे फोन में बड़ा दिख रहा है। इसको केयरफुली देखना पड़ना, डर लग रहा है। हाउ सो अच्छा है, इसकी कैटल कितनी सुंदर है यार। ये बोरोसिल की है क्या? फिर रख दिया फोन मेरा। लो 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 भैया लो, पता बोरोसिल की होगी क्योंकि गरम काम करने के लिए होती है। वाओ ग्रेट, इसमें सारी तरह की कॉफियां बन जाएंगी। सारी कॉफी से फेक कॉफी से बनती है, उसका नाम एस्प्रेसो होता है। इसमें एस्प्रेसो बनती है, इसमें एस्प्रेसो बनती है। एस्प्रेसो तो तुम हमें कॉफी बनाना सिखाओगी? हाँ सिखा दूंगी। क्या कैसे? मोस्ट प्रोबेबली इसमें पानी जाता है, कॉफी इसमें जाती है। ये फिल्टर बदलना भी पड़ता है, बहुत जल्दी गंदी होती है फिल्टर। तो फिल्टर आता होगा? हाँ आता है। ठीक है, ठीक। इसमें कॉफी जाएगी, तब धीरे धीरे से केटल में पोर होगी कॉफी। ये मेजरिंग कैप होती है, इसमें मेजर करके पानी डालना होता है, इससे ज्यादा पानी नहीं डालना चाहिए। तो ये देखिए आप लोग, आर्या ने अपनी मशीन में कॉफी बनाना स्टार्ट कर दिया है। और वाकई में संभावना सेठ कहती थी क्या खुशबू है, सही में वही खुशबू आ रही है। ये खुशबू, हालांकि हमें कॉफी पसंद नहीं है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लग रहा है। अभी दिखाते हैं, देखो इसमें पीछे यहाँ पानी पड़ा है और यहाँ आगे कॉफी पाउडर, यहाँ पे ये पूरा कैप खुल जाता है। ग्रेट, ये देखो नया सामान रहता तो सब कैसे झुक झुक के देखते। नहीं, हम कुछ और देख रहे हैं।
तो गाइज अभी रात के 11:30 बजे हैं और खाना वाना हो गया है। आर्या पढ़ाई कर रही हैं और अविरल दिसंबर महीने में फुल पे पंखा चला के रजाई ओढ़ के सो रहा, उस कमरे में जाने में ठंड लग रही है। फिलहाल जा रहे हैं सोने क्योंकि सुबह हमें बस्ती भी निकलना है 12:30 बजे से अपने घर जा रहे हैं हम।